कहने का मतलब है सरकार का एक सीधा रिकॉर्ड होना चाहिए था, सरकार उसको अपडेट कर लेता, अपडेट करके हमसे जानकारी मांगेंगे तब ना अपडेट करेगा उस पर। गलत जब सरकार के पास जानकारी पहले से मौजूद है और सरकार उसको ठीक नहीं किया और उसके बाद आपसे कागज मांग रहा है तो क्या होगा, आपका विवाद बढ़ेगा कि घटेगा? इसीलिए हम लोग जो सोचे हैं, जो आपको बताया कि कम से कम आपका जो पेपर है पहले मिलना चाहिए, उसके बाद कम से कम एक साल का समय मिलना चाहिए लोगों को। एक बार अपडेट बताते हैं, आज हो गया कौन सा दिन? सोमवार है, 16 तारीख सोमवार है ना, आज सोमवार है, अगला सोमवार दिन ठीक रहेगा जी? अगला सोमवार बताइए, अगला सोमवार को हम लोग 10 बजे पटोरी स्टेशन चौक पे इकट्ठा होंगे और पटोरी स्टेशन चौक से जुलूस बना करके एस डी ओ कार्यालय जाएंगे, वहाँ पे जो भी जिनको बोलना होगा बोलेंगे और एस डी ओ के माध्यम से सरकार तक हम ज्ञापन भेजेंगे, जिसमें कि हमारा एक ही मांग होगा कि सबसे पहले जो खतियान है वो लोगों को उपलब्ध कराया जाए, केवाला खतियान, केवाला खतियान जो भी है पुराना लोगों को उपलब्ध कराया जाए और उसके बाद आप सर्वे कीजिए, एक साल का समय दीजिए ताकि लोग अपना पेपर दुरुस्त कर ले और पेपर दुरुस्त करके और उसके बाद कीजिए, अगर नहीं कीजिएगा तो फिर हम इलेक्शन में आपको जवाब देंगे। सही बात है, गलती बात है? एक बार कभी लोग हाथ खड़ा करके बताए सही बात है? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, धमन एकता जिंदाबाद, 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 जोर से बोलिए धमन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं हो तो कोई आदमी पूछ जाते होंगे तो पता कर लीजिए बड़ का उसका फार्म खुला है, बहुत बड़ा फार्म बन रहा है, आप क्या सोच रहे हैं आपके लिए यही बना है? नहीं, नहीं आपके लिए नहीं बना है, उसका माल वहां से वहां तक जाने के लिए बना है, तो वो क्या करेगा, आप ही का जमीन लेगा, आप ही के जमीन पर खेती करेगा, आपको लोग देगा ये वो नौकरी दे देंगे, आपको उधार दे देंगे, जमीन दीजिए और आप क्या कीजिएगा उसको ठीका पर जमीन दीजिएगा, आपको पहले ठीका पर लेगा और ठीका पर लेते लेते कहियो अंगूठा चिपकवा लेगा, आधार से जुड़ा हुआ लगे करेगा, रजिस्ट्री हो जाएगा, जमींदार नहीं तो जमीन खरीद लेता हो। सही बात है, गलती बात है? गलती बात है। वो बात बताते हैं, मेरे ऊपर बिहार सरकार एक जगह पेट्रोलियम जो है FIR भी कर दिया था, FIR कर दिया था मेरे ऊपर, 2 दिन में FIR खिसा दिया उसका, तो किसी के इतना हिम्मत नहीं हुआ हमको पकड़ सके। लेकिन अब ये देखिए, अभी कुछ दिन पहले आप न्यूज में सुने होंगे कि मोदी जी कोरोना वाला जो कंपनी था उससे चंदा लेकर सबको टीका दिलवाया है। सही बात है, गलती बात है? सही बात है ना। और ये बताइए जिसको तिसको दे दिया सुइया, जबकि वो स्वैच्छिक था, जिसको मन होगा वो लेगा, जिसको मन होगा नहीं लेगा। इसी तरह भी आधार स्वैच्छिक है, जमीन में आप जुड़वाइएगा, जमीन में जुड़वाइएगा तो सरकार वो क्लिक करेगा, आपके पास पति पति है सब देख लेगा, समझे? तो अभी आप सुने होंगे कुछ दिन 2-3 दिन पहले कि लाखों आदमी का राशन कार्ड खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्यों खत्म कर दिया? चलिए एक आदमी उसके घर में परिवार में कोई मर गया है उसका खत्म किया तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो बेचारा मजदूरी करने बाहर गया हुआ है उसका भी खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि बाहर जब गया कमाने के लिए तो आधार में एड्रेस चेंज करा लिया, सरकार कह दिया कि यहाँ रहवे नहीं करता है तो हम काहे राशन देंगे, अरे भाई उसका परिवार तो रहता है ना, तो इसीलिए इस बात को समझिए। अभी ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा, इलेक्शन है, अगर वहां पर हजारों आदमी उतर जाएंगे ना, हजारों आदमी फलक उतर करके मुर्दाबाद सरकार का कर देना, उसका तो अपने पेट घसर जाएगा देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा पेपर आ गया है जिसमें सरकार खुद फंस रही है, इसलिए फंस रही है क्योंकि वो कह रहे हैं कि रिविजनल सर्वे के आधार पे हमने दाखिल खारिज किया, जबकि रिविजनल सर्वे का गजट नोटिफिकेशन सरकार ने जारी ही नहीं किया है, ये बात खुद इन्होंने जवाब में दे दिया। और जब जारी नहीं हुआ तो कैसे हो गया सर्वे? जब सरकार का कोई आदेश जारी होता है तभी ना कर्मचारी उस पर काम करेगा, और जब जारी ही नहीं हुआ तो कैसे काम कर दिया? यानी कि पैसा लेकर के काम किया है, पैसा लेकर के काम किया है ना, तो इसलिए उस रिकॉर्ड को हमको सुधार करवाना है, सुधार करवा करके हमको समय लेना है सरकार से, एक साल का अगर समय देते हैं, अगर आप लोग कहिएगा तो हम एक साल को 2 साल कह देंगे, उसमें लिख देंगे एक साल रहेगा कि 2 साल रहेगा, चलिए 2 साल हम मांग करेंगे, 2 साल का समय सरकार से मांगा जाएगा कि हमको कागज इकट्ठा करने के लिए कम से कम 2 साल का समय दिया जाए और उसके बाद आप सर्वे कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सही बात है ना? तो सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग साइन नहीं किया साइन कर से हो जाएगा, क्योंकि जो भी लड़ाई होगी पहले वो आकर के अपना कागज पत्र ठीक करे, अगर हमारे पास जो है कागज हथियार ना हो वो आकर के ठीक करे, अगर नहीं ठीक करता है तो ये माल काट के
बवाल मचाएगा, महाभारत मचाएगा। और देखिए अभी अगर एकता कायम कर लीजिएगा ना तो बाद में लड़ना नहीं पड़ेगा, लड़ना नहीं पड़ेगा। हम लोग सब भाई भाई है, इसीलिए लड़ना नहीं है। और सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे ताकि कागज सबका मिल जाएगा तो सबका अपना अपना हक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी तरह का सरकार सर्वे करा ले, लेकिन आपके पास कागज नहीं रहेगा तो मामला निकल जाएगा, आपस में लड़ते रहिएगा। और वो कहानी सुने होंगे जो दो को बिलाई और रोटी के लिए लड़ाई करता है तो वो बंदर के पास पंचायती कराने जाता है, तो बंदरवा क्या करता है, फ्राई कर रोटी खाता है तो रोटी खाता है, तो शाही सरकार खाएगा सबका जमीन ले लेगा। इसीलिए सभी लोग 23 तारीख को सोमवार को यहाँ पे 10 बजे इकट्ठा होंगे और गावड़तर, और 11 बजे अम्बेडकर चौक पटोरी से हम लोग पटोरी अनुमंडल चलेंगे और वहाँ सरकार को सभी लोगों का साइन किया हुआ ज्ञापन देंगे सरकार को। और एक बार जान लीजिए, सर्वे में मृत्यु प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मृत्यु प्रमाण पत्र किसी को बनाने के लिए भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। और वंशावली भी अपने हाथ से बनाना है, कागज पर लिख दीजिएगा दादा परदादा का ये नाम हुआ, उनका दूगो बेटा, फिर उनका दूगो बेटा, ऐसे करके लिख दीजिएगा वो चलेगा। उसी पर वो घोषणा का फॉर्मेट दिया हुआ है उस पर साइन करके देना है और कुछ नहीं करना है, कोई सरपंच के पास नहीं जाना है, कोई वहां पर जाकर के नहीं करवाना है, ऐसा कोई कह रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ठगा। जिनके पास आधार नहीं बना हुआ है उनका भी मांग, वही तो सबसे पहला जो मांग हुई है ना कि आधार से आप कहा जबरदस्ती हमको करवा रहे हैं, जबकि आधार एक आईडी प्रूफ है, आधार एक आईडी प्रूफ है, हमारे पास वोटर आईडी कार्ड, आधार नहीं था तो वोटर आईडी कार्ड से काम करके लगे नहीं चलता था। इसीलिए सरकार से मांग करेगा जो सौ के मिले के चाहिए, ऑनलाइन जब सरकार चढ़ा देगा तो पांचों भाई चाहिएगा तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसलिए कोई लड़ाई नहीं होगा। इसलिए ऑनलाइन जिसने भी कुछ का चढ़ाया है सब का अगर चढ़ा दे तो कोई भाई से मांगने की जरूरत नहीं है, वहाँ जाइएगा कैफे उठे में और डाउनलोड कर लीजिएगा, यही मांग है, समझ रहे बात को, तो वहाँ पर अवेलेबल करा देगा। खतिया नेट पर कहिए चढ़ाने के लिए तब लोग अपना आसानी से सरकार को मिलजुल करके हम 23 तारीख को जा करके कहेंगे ना, यही बात ना कहेंगे नहीं क्या बोला वही पूरा चढ़ाने का मांग है, उसी के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और इसी के लिए उस दिन चाहिए। ये कोशिश करना है, हमें ये कोशिश करना है कि क्या करेगा, कुछ बिचौलिया करके उस दिन हम लोग का जो प्रदर्शन है उसको भागने की कोशिश करेगा, मुझे बात करते हैं कोई कर सकता है, सरकार भी कई बार भेज देता है लोग को बीच में, हम लोग को शांतिपूर्ण तरीका से चलना है, खाली एकता दिखाना है, सही बात है गलती बात है, सही बात है गलती बात है, हम लोग प्रदर्शन किया कि पूरे ईटा मारे है नहीं माने ना, लेकिन बंद करवा दिए ना पूरा देश में, वैसा ही करना है, किसी को कुछ नहीं कहना है, इंकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिएगा उसका कुर्सी डरवाया जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए।